दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2020 का 14वां मुकाबला दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में टॉस जीतकर हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने बल्लेबाजी का फैसला किया, तो 14वें मैच में हैदराबाद की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 164 रन बनाए, जिसका पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम 157 रन ही बना सकी। चेन्नई ने शुरुआत में अपने अहम विकेट्स गंवाए, लेकिन बाद में रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी ने पारी को संभालने की कोशिश की। चेन्नई सुपर किंग्स ने मैच को 7 रनों से गंवा दिया। आईपीएल 2020 में चेन्नई की ये लगातार तीसरी हार है और यकीनन इसके बाद चेन्नई की सफर आगे मुश्किल होने वाला है। दोस्तों मैच हारने के बाद धोनी ने कहा कि मैं बहुत सारी गेंदों को अच्छे से नहीं खेल पा रहा था, बहुत जोर से मारने की कोशिश कर रहा था, मैं गेंदों को बाउंड्री पार पहुंचाना चाहता था। आमतौर पर आप बाउंड्रीज को समय देना चाहेंगे, मैंने ज्यादा से ज्यादा समय पाने की कोशिश की, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाया। लंबे समय बाद हमने लगातार 3 मैच गंवाए, हमें फील्डिंग में अपने कैच लेने की जरूरत है और नो बॉल पर काम करने की जरूरत है, हमने इस मैच में कई अहम कैच छोड़े हैं। दोस्तों ओपनिंग गेम को जीतने के बाद से अब तक खेले गए 3 मैचों में धोनी की टीम को एक भी जीत नहीं मिली है, लेकिन कप्तान एमएस धोनी ने सकारात्मकता दिखाते हुए इस बात का दावा किया है कि वह मजबूती से वापसी करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने आगे कहा, हमारे पास 2 अच्छे ओवर थे, लेकिन कुल मिलाकर हम डेथ ओवर में थोड़ा बेहतर हो सकते थे। इस स्तर पर हमें एक रेखा खींचने और यह कहने की जरूरत है कि इन कैच को छोड़ा नहीं जा सकता है, आपका मैदान में सबसे अच्छा खेल दिखाना बहुत जरूरी है। इस खेल में बहुत सारे पॉजिटिव बातें हैं और हम बेहतर तरीके से वापसी करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस मैच में हार का ठिकरा धोनी ने खुद अपने सर लिया और माना कि मैं बहुत थक गया था और शॉट नहीं खेल पा रहा था। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या धोनी की वजह से चेन्नई ये मैच हारी है? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।